राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का अगला राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र समेत कुल 13 राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा के दौरान राजनीतिक जिम्मेदारियों से हटने की इच्छा व्यक्त की थी। बीते 23 जनवरी को महाराष्ट्र राजभवन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने एवं अवकाश गतिविधियों में बिताने की इच्छा रखते हैं। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि संतों, समाज सुधारकों और बहादुर सेनानियों की भूमि महाराष्ट्र जैसे राज्य की सेवा करना एक राज्यपाल के तौर पर मेरे लिए बहुत ही गरिमापूर्ण और सौभाग्य की बात रही। इसके साथ ही कोश्यारी ने यह भी कहा था कि पिछले 3 साल से कुछ ज्यादा समय के दौरान महाराष्ट्र की जनता से मिले प्यार और स्नेह को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक गतिविधियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने एवं अन्य गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की थी। माननीय प्रधानमंत्री से मुझे हमेशा प्यार और स्नेह मिला है और मुझे इस संबंध में भी यही मिलने की उम्मीद है। इस सारे प्रकरण से पहले महाराष्ट्र के महापुरुषों और प्रतीकों के कथित रूप से अपमान के लिए विपक्ष लगातार भगत सिंह कोश्यारी पर हमलावर था और उन्हें हटाए जाने की मांग कर रहा था। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस कथित तौर पर यह आरोप लगा रहे थे कि राज्यपाल कोश्यारी जानबूझकर महाराष्ट्र के प्रतीकों का अपमान कर रहे हैं। विवाद के बाद जनवरी में तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी।